गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है 1857 की क्रांति। बीपीएससी टीचर वैकेंसी 7th फेज दृष्टिकोण से आपकी जो वीडियो है ये काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। आपको इसमें 60 VVI क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग सही से और ध्यान से देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, जानेंगे सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। ए में है बेंजामिन डिजराइली, बी में है वी डी सावरकर, सी में है केम पानिकर और डी में है ताराचंद। तो ध्यानेंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि सर्वप्रथम जो है 1857 की विद्रोह जो है इसके तुरंत बाद जो है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया गया था, किनके द्वारा? तो यानी कि बेंजामिन डिजराइली के द्वारा, ठीक है। तो ए का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की ओर। क्वेश्चन नंबर दो है मेरठ में, यानी मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है 10 मई 1857 को, बी में है 11 मई 1857 को, सी में है 4 जून 1857 को और डी में है 3 जुलाई 1857 को। तो मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? दो का द राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे? दो का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 10 मई 1857 को, है ना, ठीक है। यहीं से क्रांति आरंभ हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीन क्या था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा कमल एवं चपाटी, यानी कमल एवं रोटी, है ना। क्या था? कमल एवं रोटी जो था ना, चिन्ह निश्चित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो संबंधित था, संबंधित था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 34 में, 34 में नेटिव इन्फ्रेंटिस से, बी में है 22 में नेटिव इन्फ्रेंटिस से, सी में है 19वीं नेटिव इन्फ्रेंटिस से, डी में है 38 में नेटिव इन्फ्रेंटिस से। तो देखिए चार का ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हो जाएगा ए, यानी कि 34 में, जिसको कहते हैं 34वीं रेजिमेंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर। 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए है चली वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, बी में है डलहौजी का जब्त का सिद्धांत, यानी कि हड़प नीति जिसको कह सकते हो, सी में है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डी में है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो चार पाँच का आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि तात्कालीन कारण, यानी कि 1857 विद्रोह का तात्कालीन कारण था चरी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना, ठीक है ना। यानी कि पाँच का ए द राइट आंसर सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर छः की ओर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चरी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? यानी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यानी कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चरी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 9 नवंबर 1856, 10 दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो छः का आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1857। क्वेश्चन नंबर सात है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद एक और ऑप्शन है डी में लॉर्ड लिटन। तो सात का आंसर क्या हो जाएगा? सात का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन क्या कहते हैं, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो है उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो सात का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की ओर। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, ए में देखिए ऑप्शन है नाना साहब का नेतृत्व, बी में है झांसी की रानी का नेतृत्व, सी में है बहादुर शाह का सहयोग और डी में हिंदू मुस्लिम एकता।
धरने की 8 अठारह, यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे, यानी कि एकजुटता सबसे बड़ी शक्ति थी उस समय भी, और उस समय हिंदू और मुसलमान जो थे सब एक थे, ठीक है ना, एक होकर के अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ठीक है। तो याद रखेंगे 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण अगर तत्व की हम बात करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एकता थी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते, क्वेश्चन 9 है, 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था। यानी कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था, तो 9 का आपका जो आंसर हो जाएगा यानी कि 6 यानी 0.6 अनुपात 1, ठीक है, यानी कि 9 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा 6:1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्य वर्ग थे। यानी क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का, ऑप्शन देख लीजिए, यानी 1857 क्रांति का विद्रोह किया, बी में 1857 क्रांति का समर्थन किया, 1857 क्रांति में तटस्थ यानी कि अलग रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया, तो इसका आंसर हो जाएगा जानेंगे 10 का सी हो जाएगा, यानी कि 1857 क्रांति में तटस्थ रहे यानी कि अलग रहे यानी कि शिक्षित वर्ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। यानी कि यहाँ यानी कि 1857 जो क्रांति हुई थी किस कारण से असफल रहा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए ए में है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी में है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी में इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी में है जमींदारों की असहभागिता। 11 का जो आंसर पर क्या हो जाना चाहिए यानी कि बी द राइट आंसर, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, ठीक है, बी द राइट आंसर पर से हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, यानी कि सबसे पहले 1857 की क्रांति में कौन ऐसा नेता थे जो अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, उनका नाम बताना है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई और डी में मंगल पांडे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाला कोई अगर थे तो मंगल पांडे थे, कौन, मंगल पांडे। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया, बताएंगे, यानी कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया, जेम्स ऑडसो, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन मार्शल, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जेम्स ऑडसो और डब्ल्यू टेलर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, यानी कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, कौन कहा था, आर सी मजुमदार, एस एन सेन, वी डी सावरकर या अशोक मेहता। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, वी डी सावरकर, कौन, वी डी सावरकर ने, यानी कि आधुनिक इतिहास का, यानी कि क्वेश्चन कहता है आधुनिक के इतिहास का जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो कौन कहा, वी डी सावरकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, ब्रिजिश कादिर। तो 15 का द राइट हो जाएगा खान बहादुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, एक्सप्लेन नहीं कराने का मुख्य रीज़न है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग एक्सक्यू कर जाकर निकल जाएंगे, इसलिए आप लोग बस आंसर बता रहा हूँ, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, ठीक है, 24 तारीख आपका एग्जाम होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो 16 का देंगे बेगम हजरत महल जो है 1857 विद्रोह का नेतृत्व जो है आपको लखनऊ में, यानी लखनऊ से किया था, ठीक है, कहाँ, लखनऊ। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कानपुर में
कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहब तात्या टोपे कुंवर सिंह लक्ष्मीबाई। 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए, नहीं नाना शाह है, ठीक है। यानी कि नाना साहब जो है कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। कहाँ की बात हो रहा है यहाँ पे? यानी कि जानेंगे कानपुर। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे। कौन? तात्या टोपे, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 1857 भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखिए यानी कि तात्या टोपे का मूल नाम पूछा गया है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता थे जिनका नाम है तात्या टोपे, उनका मूल नाम क्या है वो आपको बतानी है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है नाना साहेब, सी में है बालाजी राव और डी में है रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का मूल नाम यही था यानी कि रामचंद्र पांडुरंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका जयश्री पद्मा अहल्या। तो 20 का दराय डाल जाएगा मणिकर्णिका, ठीक है। क्वेश्चन 21 के चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? यानी कि बिहार में जो जगदीशपुर के थे वीर कुंवर सिंह, उनका देहांत यानी कि उनका निधन कब हुआ वो आपसे पूछा गया है। यानी कि बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन को चेक कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है 10 अप्रैल 1858, बी में है 17 जून 1858 और सी में है 9 जून 1858 और डी में है 20 जून 1858। तो 21 का जो है आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 9 मई 1858 को बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर के रहने वाले वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया था, है ना। 80 वर्ष में भी युवा की तरह लड़े थे अंग्रेजों से। चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया क्या? जानेंगे क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रशेखर आजाद, निम्नलिखित नहीं किया था। बी में है राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी नहीं किए थे, है ना। सी में है सादत खान, ये किए थे। माखनलाल चतुर्वेदी, ये नहीं किए थे, है ना। इसलिए 22 का हो जाएगा क्या, हो जाएगा आपका सी। चलते कुछ नंबर 23 की ओर। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे वो आपको बताना है। सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, इसके बाद गुंगे नवाब। तो 23 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वाजिद अली शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया आपको ये बताना है। यानी 1857 जो क्रांति हुआ किसने भाग नहीं लिया था? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, ये भगत सिंह, सबको पता है यानी कि भगत सिंह जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, है ना, और ये सब भाग लिए हुए थे। इसलिए 24 का द राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 25। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया रंगून में, पोर्ट वलियर में, काबुल में, लंदन में। तो 25 का जो है आपका आंसर हो जाएगा यानी कि रंगून में। यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद तो मुगल बादशाह बहादुर शाह को निर्वासित कहाँ कर दिया गया? तो रंगून, जो वर्मा में है, जापान में वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गद्दार से प्रभावित नहीं हुआ? ऑप्शन है झांसी हुआ ही था क्या? झांसी हुआ था ना, चित्तौड़ हुआ था क्या, जगदीशपुर तो हुआ ही था, लखनऊ भी हुआ था, परंतु चित्तौड़ नहीं हुआ था, नहीं, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर 26 का बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 27 की ओर। 27 है 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी, ठीक है।
क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 27 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। जातीय आधार पर 1857 विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख थे, गोरखा थे, पठान थे, बताइए, या एक दो तीन, या दो तीन, कौन थे आपको बताना है, कूट के तरह क्वेश्चन है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 28 का जो हो जाएगा देने के एक दो तीन, यानी ए होगा, क्या होगा ए, यानी कि सिख, गोरखा और पठान तीनों। चलते क्वेश्चन 29 की ओर, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने सहायता नहीं की थी वो आपको बताना है। 1857 विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था? ऑप्शन को ध्यान से देख लेंगे, कश्मीर के शासक ने, मेवाड़ के राजा ने, सीमे हैं सतलज के इस पार के राजाओं ने, के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। तो 29 का जो है आंसर आपका हो जाएगा बी, मेवाड़ के राजा ने। चलते हैं क्वेश्चन 30 की ओर, क्वेश्चन 30 है, किससे 1857 किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह को, इसको बहादुर शाह को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, क्वेश्चन 31 है, 1857 विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया वो बताना है। बहादुर शाह द्वितीय की बात हो रहा है, यानी कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ वो किसने गिरफ्तार किया वो आप लोग बताइएगा। तो 31 का जो है आपका आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ से और किसने। ऑप्शन ए है रंगून में कर्नल नील ने, ये नहीं किए थे। ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हटसन, ये भी नहीं किए थे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे बरेली में जेम्स ऑटसन, ये भी नहीं किए थे। और डी में है हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हटसन, हाँ थे, ये किए हुए थे। यानी कि 1857 विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को है ना किसने गिरफ्तार किया था, तो लेफ्टिनेंट हटसन ने किया था। कहाँ से, हुमायूं के कब्र के पास, याद है ना, कहाँ से, हुमायूं के कब्र के पास इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन 32 की ओर, 32 में क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लेंगे, वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। यानी कि वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने महत्वपूर्ण भूमिका रही, उस ब्रिटिश सेनापति का नाम हमको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ऑटसन, ये तो नहीं थे। बी में चार्ल्स नेवियर, ये भी नहीं थे। सी में है कैंपबेल, है ना, जो 100% थे कैंपबेल, ठीक है, कौन, कैंपबेल, हैवलॉक नहीं थे, कैंपबेल थे। यानी कि वो जो यानी कि 1857 की जो विद्रोह था, इस सेनापति कैंपबेल दबाने का बहुत प्रयास किया, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। चलते क्वेश्चन 33 की ओर, निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, मतलब क्या वहाँ पे 1857 क्रांति का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ए अवध, बी मद्रास, सी पूर्वी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि मद्रास वो क्षेत्र था जहाँ पे 1857 क्रांति का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिले थे उस समय में। चलते क्वेश्चन 34 की ओर, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, अकेली अकेला नहीं ना है, अगर अकेला होता तो याद रखना किसी पुरुष के चर्चा होता, परंतु यहाँ पे क्या है, अकेली है। तो अकेली यानी कि देखो 1857 क्रांति मुख्य रूप से जो वीरता के साथ है कोई लड़ी थी वो कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई, तो उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, याद रखेंगे। कहते किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द हैं, तो किनके बारे में जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, किनके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ठीक है, याद रखेंगे, इनके बारे में कहा था। चलिए क्वेश्चन 35 की ओर, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था।
जीनत महल मौलवी अहमदुल्ला, सी में कुंवर सिंह, डी में है तात्या टोपे। तो 35 का द राइट आंसर हो जाएगा ध्यान के जीनत महल, यानी कि ध्यान क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने, तो कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर, है ना, यानी कि ये जो थे हमारे देश के, इन्होंने क्या किया था अंग्रेजों के साथ मिलकर के और षड्यंत्र रचने का इन पर आरोप लगा था, इन पर जीनत महल पर। चलो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ऑप्शन नंबर ध्यान देंगे ए बी सी डी, चार देख लीजिएगा 36 का। ए में है 1 नवंबर 1858, बी में 31 नवंबर 1857, सी में है 6 जनवरी 1858 और डी में है 17 नवंबर 1859। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया था, तो यानी कब होगा 36 का आंसर, ये हो जाएगा यानी 1 नवंबर 1858। चलते हैं क्वेश्चन 37 की ओर, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली उड़ीसा, गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, दीव मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आर सी मजुमदार, तारा चंद, वी डी सावरकर, एस एन सैन। तो 38 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एस एन सैन द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, मंगल पांडे कहाँ के कह सकते हो अपनी भाषा में, मंगल पांडे जो हैं कहाँ क्रांति जो भरा था क्रांति कहाँ से जुड़े हुए थे, बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपको पता है यानी कि मंगल पांडे बैरकपुर से, है ना, 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ से, तो बैरकपुर से। तो आपका 39 का दर्राट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बैरकपुर। क्वेश्चन में चलते हैं 40 को, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, कहाँ इलाहाबाद के बारे में पूछ रहा है, यानी कि 1857 में जो क्रांति हुआ था तो उस क्रांति में इलाहाबाद में कौन क्रांतिकारी जो है नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन अभी समाचार दिया हुआ है, नाना साहब ए में है, बी में है अजीमुल्ला, सी में है तात्या टोपे, डी में है मौलवी लियाकत अली। तो 40 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। कौन, मौलवी लियाकत अली जो है 1857 क्रांति में जो हुआ था उसमें इलाहाबाद में यही नेतृत्व कर रहे थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, 41 इधर आ गया, क्वेश्चन 41 है, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यानी 1857 जो क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बेंजामिन डिजराइली, लायड जॉर्ज, और यानी कि 41 का आपका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन हो जाएगा। कौन, लॉर्ड पामस्टन, यानी कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड पामस्टन, डी द राइट आंसर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की ओर, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने। तो 42 का द राइट आंसर हो जाएगा नामधारी सिखों ने। क्वेश्चन 43 की ओर चलते हैं, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना, यानी किस प्रख्यात यानी विख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना, वो आपको बताना है। कौन जो है 1857 क्रांति को क्रांति नहीं माना था, आपके सामने चार ऑप्शन है, ए में है ताराचंद, बी में है एस एन सैन, सी है आर सी मजुमदार, डी है सावरकर। तो 43 का द राइट आंसर आपका यानी कि सी आर सी मजुमदार। कौन, आर सी मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित हैं,
नव संगठन से संबंधित हैं, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। 44 का आंसर हो जाएगा यानी कि पील आयोग। क्या कहते हैं क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित हैं, तो क्या हो जाएगा, तो पील आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पील आयोग, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 45 को 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो कौन वे उर्दू कवि था जिन्होंने देखा था। ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, बी हैं चौक, सी हैं मिर्जा गालिब और डी हैं इकबाल। तो 45 का जो है आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी मिर्जा गालिब। कौन, मिर्जा गालिब कौन देखा था, तो मिर्जा, ये जो मिर्जा गालिब हैं 1857 क्रांति को इन्होंने देखा था। ये जो है उर्दू के कवि हैं, क्या हैं, उर्दू के कवि हैं, कौन, मिर्जा गालिब, सॉरी थे। क्वेश्चन में चलते हैं 46 की ओर, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, सबसे कट्टर दुश्मन कौन था बताइएगा। देखिए दुश्मन था, यानी कि 1857 क्रांति के समय दुश्मन तो था हिंदुस्तानी अंग्रेजों का, परंतु उसी में से कौन सबसे कट्टर दुश्मन था उनका चर्चा यहाँ पे किया गया, यानी कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। ऑप्शन नंबर ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदाउल्ला, मौलाना फजेले खराबद्दीन और नवाब लियाकत अली। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा यानी कि ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ए द राइट आंसर, जो बहुत बड़ा कट्टर दोनों का। 47 नंबर क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा कौन थे, नाना शाह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह, है ना, याद है ना, जगदीशपुर के कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, कौन, वीर कुंवर सिंह, यानी कि बिहार के आला जिला के क्षेत्र जो जगदीशपुर के जो राजा कौन थे, वीर कुंवर सिंह, जो 80 वर्ष की आयु में भी ध्यान गए अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को 1857 में प्राप्त हुए थे, है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा जगदीशपुर यानी कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन में चलते हैं 48 की ओर, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेंसी, डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ऑप्शन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, गडकरी विद्रोह का केंद्र था, 1844 यानी गडकरी विद्रोह जो हुआ था 1844 में उसका केंद्र कहाँ था, बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। 49 का हो जाएगा कोल्हापुर। क्वेश्चन हो जाता है 50 को, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी में सैनिक असंतोष, डी में भारत का आर्थिक शोषण। ठीक है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा यानी कि बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, यानी कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह शक हो गया था। क्वेश्चन 51 को चलते हैं, किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता, प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही है स्वतंत्रता संग्राम था, संग्राम ना तो। क्वेश्चन ध्यान सुन लीजिएगा, यानी किस इतिहासकार ने लिखा, क्या लिखा था, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता, प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो 51 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, ऑप्शन को देख लीजिएगा, आर सी मजुमदार, एस एन सैन, वी डी सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया, नाना साहेब, कुंवर सिंह,
खान बहादुर खां या तात्या टोपे। तो 52 का जो है आंसर हो जाएगा डी, तात्या टोपे को, किसको? तात्या टोपे, डी द राइट आंसर। चलते नंबर 53 की ओर। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एसिचन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1922 की अगस्त क्रांति। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। बिहार के जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? यानी बिहार के जो आरा जिला के अंतर्गत जो जगदीशपुर है वहाँ पे जो है विद्रोह का दमन जो है किस अधिकारी के द्वारा किया गया था, किनको ये श्रेय दिया जाता है? किनको ये श्रेय दिया जाता है बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए है हडसन, बी है हेवलॉक, डी सी है फिरोज और डी है टेलर व विसेंट आयर। तो इनको ही ये श्रेय प्राप्त है, यानी कि टेलर व विसेंट ही ऐसे हैं आयर जिन्होंने 1857 की जो क्रांति हो रही थी वो बिहार के जगदीशपुर में जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वीर कुमार सिंह है ना, इन्हीं के द्वारा यहाँ क्रांति को दबाया गया था, यानी कि टेलर व विसेंट आयर के माध्यम से। चलते क्वेश्चन 55 की ओर। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? यानी क्वेश्चन क्या कहते हैं, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, यानी कि अंग्रेज एक सैनिक अधिकारी थी जिनकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन देख लीजिएगा, ए में है निकल्सन, बी में हडसन, डी सी में हेवलॉक और डी में है कर्नल नील। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि निकल्सन ए द राइट आंसर है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई? दिल्ली, कानपुर, अभी तो इसके बारे में तो पढ़े थे ना, सबको पता होगा। यानी किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हुई थी? किस स्थान पर हुई थी बताइए। यानी क्वेश्चन से पहले क्या था, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हुआ था? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप? ऑप्शन चार को दिया हुआ है, ए में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, क्या हो जाएगा? लखनऊ द राइट आंसर सी 56 का। चलते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कहाँ से? और ये क्रांति आरंभ कब हुई थी? तो 10 मई 1857 है ना, 10 मई 1857। और आरंभ कब होने वाली थी? ये जो क्रांति है प्लानिंग किया गया था 31 मई 1857 को ये क्रांति आरंभ किया जाए, परंतु कुछ कारणवश इस क्रांति को 10 मई 1857 को प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार से हमने आप लोगों को 57 भी दिया क्वेश्चन करवाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें। जो आने वाले BPSC टीचर की बहाली हैं उनमें भाग लेने वाले हैं उनको शेयर कर दें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। Thank you for your watching.